स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटीएंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटीएंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी। एक इंटरसेप्ट ए और एक इंटरसेप्ट बी कहां पर बनाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो देखिए, जो एक्स एक्सिस पर क्या करता है कि ए इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब ये जो आपका ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ओ ए, ये कितना है? ये ए यूनिट है। और ओरिजिन से ये जो बी डिस्टेंस है वो कितनी है? वो स्मॉल बी है। तो अब देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो देखिए, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ए कॉमा जीरो। और ये जो पॉइंट बी है ये हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? जीरो कॉमा बी। ठीक है, तो अब देखिए, इसको करने के हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है। या तो हम क्या करें कि हम इसको पास करा दें, तो देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर आपका यहां पर होगा, सेंटर आपका यहां पे होगा, और आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर आप रेडियस निकाल लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये मेथड हम यूज कर रहे हैं कि देखिए, जो दो पॉइंट्स हमें गिवेन है, दस इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal हो जाएगा ये जीरो के। तो यहां पर x1 y1 और x2 y2 हमारे कौन से पॉइंट्स है? हमारे ये पॉइंट्स है, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x माइनस, आप देखिए x1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं, तो x माइनस a इंटू, और x माइनस x2 की जगह पर हम क्या रखेंगे? जीरो प्लस, और y माइनस y1, तो y1 की जगह पर हम क्या रखेंगे? जीरो, तो y माइनस जीरो इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा? y2 की जगह पर हम रखेंगे b, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको फर्दर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस ax प्लस, और ये आपका y स्क्वायर माइनस by, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो हमको फाइनली जो इक्वेशन मिल जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। बस यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है, और इसमें इसमें रेडियस सेंटर की बात नहीं कर रहा है, तो हम यहां पर इसको छोड़ सकते हैं। और फाइनली अगर हमसे, अगर मान लीजिए कि अगर रेडियस और सेंटर भी इसका पूछता, तो वो भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते थे।